Hello students, myself Pradeep Chittoda. I am going to discuss All India PMT 2015 test paper. Question number 82, chemistry के अंदर code E की मैं आपसे बात यहाँ पे करें. वो बहुत ही simple fundamental GUC का question है जिसमें cyclopentanone as a compound आपको दे रखा है. Cyclopentane as a substrate is given in this question. इसका जो रिएक्शन है ये आपको करना है मिथाइल लिथियम के साथ, दैट इज CH3Li. CH3Li एक स्ट्रॉन्गर बेस है जिससे बेसिक पार्ट या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लेकर के आपको यहां पे सोचना पड़ेगा. तो वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है? CH3-. जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो कीटोन्स होते हैं, इन जनरल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है एसिडिक नेचर का. फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर. फंडामेंटली वी कैन से इट इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन. ये हो गया एक स्ट्रॉन्गर बेसिक पार्ट और ये हो गया एक एसिडिक हाइड्रोजन. और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एसिड में जब आप बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन आपको करना होता है या फिर एक आयनिक प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है. तो इसमें आपको करना क्या है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस एसिडिक हाइड्रोजन पर करना है इस तरह से. जैसे ही CH3- के बिहाफ पर H+ को आप यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो मिलेगी इस तरह की. गॉट इट? CH3- स्ट्रॉन्गर बेस से इसने क्या करा? H+ को, यानी एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट किया. जैसे ही H+ यहां से निकलेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर बचेंगे जिसको एज ए नेगेटिव मैंने यहां पर लिख दिया. अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से आपको दे रखे हैं. तो फंडामेंटली इस कंपाउंड को आप बोल सकते हैं साइक्लो पेंटेनॉन, और रेडिकल है तो उसके हिसाब से इल, है ना. ये तो हो गया साइक्लो पेंटेनॉन, रेडिकल है तो इल, साइक्लो पेंटेनॉयल एनायन, साइक्लोपेंटेनॉल एनायन. तो जो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें आप ऑप्शन पढ़िए. आप जैसे ही कोड ई के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये साइक्लोपेंटेनॉयल एनायन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको लिखा हुआ नजर आएगा. दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होना चाहिए आंसर नंबर 1. थैंक यू.